दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो काफी लोगों को कंफ्यूज और परेशान करता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका समाधान कैसे करें। पहले समझ लेते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। देखिए, अगर आपने दांतों की ठीक से सफाई नहीं की, उनका ध्यान नहीं रखा, तो आपके दांतों के अंदर जो है इन्फेक्शन होने लगता है, जिसके कारण दांत की जड़ खराब होने लगती है। समस्या और बढ़ने पर दांत की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, और जब आप कुछ खाना खाते हैं, ठंडा गर्म कुछ खाते हैं, तो बहुत तेज आपको ठंडा गर्म दांतों के अंदर लगने लगता है। तब डेंटिस्ट आपको कहता है कि जी आरसीटी कराना पड़ेगा। आरसीटी में जो दांत का जो इन्फेक्टेड पार्ट है या पल्प है, उसको काट के निकाल दिया जाता है, जिससे इन्फेक्शन और ज्यादा नहीं फैलता है और दांत किसी हद तक सेफ हो जाता है। लेकिन आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा और उनके समाधान के बारे में भी है। तो देखिए, जो इसमें सबसे पहली समस्या होती है, जिस दांत की आरसीटी की गई है उस दांत का रंग बदल जाना। पहले देखिए दांत पीला पड़ता है और बाद में ये काला भी पड़ सकता है और बदनुमा लगता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। दरअसल आरसीटी के दौरान कुछ जो बारीक कैपिलरीज होती हैं, जो दांत को ब्लड सप्लाई करती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे उस दांत की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है और दांत का जो है वो रंग बदलने लगता है। इस समस्या को देखिए दांत पर क्राउन या कैप लगा के छुपाया जा सकता है, लेकिन ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि अगर आरसीटी या दांत की क्लीनिंग ठीक से नहीं हुई है या फिलिंग डिफेक्ट रह गया है, तो बैक्टीरिया या तो अंदर चले जाते हैं, या अगर बैक्टीरिया अंदर रह गए थे तो ये फिर तेजी से बढ़ने लगता है और इन्फेक्शन और ज्यादा फैलने लगता है, जो एक बड़ी समस्या बन सकता है। अगर लगातार दांत में इन्फेक्शन बना रहे तो ये इन्फेक्शन हार्ट की ओर जा सकता है, और अगर इन्फेक्शन हार्ट की ओर चला जाए तो इससे एक एंडोकार्डाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, यानी कि जो हार्ट की कवरिंग है उनमें सूजन आ जाती है, जिसे एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। ये एक बड़ी समस्या होती है, जिसे अगर ठीक ना किया जाए समय पे तो ये जानलेवा भी हो सकती है। जो तीसरी प्रॉब्लम होती है वो होती है आरसीटी के बाद साइनस की समस्या का पैदा हो जाना। जी हाँ, आरसीटी करने से साइनस कैविटी के नुकसान पहुंच सकता है, जिसे साइनोसाइटिस की दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि आपके जो मैक्सिलरी साइनस है यहाँ होते हैं, ये बिल्कुल जबड़े के आसपास होते हैं, जिसके कारण सर में भारीपन या सर दर्द की समस्या पैदा हो जाती है। कई बार आरसीटी के बाद साइनस कैविटी का फ्लूड आपके मुंह में रिसने लगता है और आपके मुंह में जो है ना थोड़ा वो नमकीन स्वाद आने लगता है। अगर ये समस्या बनी रहे तो अपने डेंटल सर्जन से मिले, कुछ एंटीबायोटिक्स या नेजल ड्रॉप से ये समस्या ठीक हो जाती है। समस्या बढ़ने पर साइनस सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसको इग्नोर ना करें। नंबर चार यानी कि चौथी प्रॉब्लम होती है टूथ फ्रैक्चर, यानी कि दांत का टूट जाना। इन्फेक्शन के कारण दांत पहले से ही कमजोर था, आरसीटी के बाद उसकी जड़ और कमजोर हो गई, ब्लड सप्लाई भी कम हो गई, जिसके कारण दांत और ज्यादा कमजोर हो जाता है और उसका फ्रैक्चर हो सकता है। इससे बचने के लिए भी देखिए डॉक्टर आपको क्राउन या टूथ कैप इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, इससे ये सेफ रहता है दांत। नंबर पांच जो होता है, देखिए आरसीटी किए हुए दांत के आसपास के हिस्सों का सुन्न हो जाना। इसका कारण दांत की सप्लाई करने वाली जो नसें होती हैं वो प्रोसीजन के दौरान थोड़ी इंजर्ड हो जाती हैं। हालांकि ये देखिए कुछ हफ्तों में खुद से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ठीक ना हो तो आप अपने डेंटिस्ट से जरूर मिलें। और देखिए जो छठी समस्या होती है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो होती है दर्द की समस्या। कई लोग सोचते हैं कि रूट कैनाल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों तक आपको पेन महसूस हो सकता है। ये नॉर्मल बात है, ये होता भी है, लेकिन अगर ये दर्द बना रहे या सुन्नापन बढ़ा रहे, ये बढ़ता रहे, तो ये समस्या बढ़ने का एक सिम्टम या लक्षण होता है। तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, ये किसी और समस्या की ओर इशारा कर सकता है, या तो आरसीटी प्रोसीजर ठीक से नहीं हुआ है, या इन्फेक्शन अंदर रह गया है जो बढ़ गया है। और नंबर सात और लास्ट, आरसीटी के बाद स्वेलिंग का आ जाना। हालांकि देखिए आरसीटी के बाद सूजन आती है जो 2 से 3 दिन में खुद से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ये सूजन जो है 2 से 3 दिन में ठीक ना हो, साथ में दर्द भी बढ़ता रहे, तो ये भी किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है, या तो इन्फेक्शन हुआ होगा या कोई और कारण होगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कई बार प्रोसीजर के बाद हो जाते हैं, तो ऐसा होने पर भी आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो आप बात करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप फॉलो अप विजिट्स जरूर करें। ऐसा ना हो कि आपने आरसीटी करा लिया और घर पे बैठ गए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम महसूस होती है तो डेंटिस्ट से मिलना ना भूलें। दूसरा, देखिए दर्द के लिए आप जो भी डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी हैं, प्रेस्क्राइब की हैं, उनको खाएं 2-3 दिन तक और उनको मिस ना करें। लेकिन अगर ज़्यादा दर्द होता है तो फिर डेंटिस्ट से ज़रूर बात करें।
और नंबर 3 देखिए, आरसीटी के बाद डेंटिस्ट आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, इनको समय पे और पूरी डोज में इस्तेमाल करें, अदरवाइज आपको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपके दांत वीक हो गए हैं या रंग बदल गया है तो डेंटिस्ट जैसे आपको क्राउन लगाने की सलाह देते हैं उसको भी लगा लें, इससे आपका जो दांत है ये प्रोटेक्ट रहेगा, आपको इससे मदद मिलेगी। और देखिए, आप वैसे भी रूटीन में रेगुलर डेंटल चेकअप कराएं, कम से कम 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से जरूर मिल लें, चाहे आपने आरसीटी कराया हो तब भी या उससे पहले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके पास अगर कुछ सवाल है या आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।